हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो मैंने बहुत जुगाड़ लगा के ट्राईपॉड बनाया है। वैसे मेरे पास ट्राईपॉड है, पर अब मेरा मन नहीं करता था ना वीडियो बनाने का, तो मैंने इसलिए ट्राईपॉड को उठा के साइड में रख दिया। और फिलहाल हूँ मैं अपनी किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ आपको समझ में नहीं आता, और आज है एकादशी तो चावल बनाने नहीं है। कई घरों में चावल नहीं बनते होंगे, मेरे घर में भी नहीं बनते हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे ये लिए हैं आलू। बिल्कुल छोटे छोटे जो थे वो वाले मैंने निकाल लिए हैं, और अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा छील लेंगे। वैसे इनका छिलका उतरा हुआ होता है, नए वाले जो आलू आते हैं ना उनके छिलके आप अच्छे से रगड़ के धो भी दो ना तो भी उतर जाता है, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा थोड़ा सा छील लेंगे। और छीलने के बाद इनको अच्छे से मैं धो लूँगी। वैसे एक बार धो लिए हैं फिर भी इनमें मिट्टी थोड़ी सी रह जाती है, तो इसलिए इनको अच्छे से धो के और धोने के बाद मैं एक कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ दूँगी, जिससे कि इसमें पानी ना बचे। इसलिए तो दम आलू बनाना सबको लगभग आता होगा, पर सबका अलग अलग स्टाइल होता है दम आलू बनाने का, और कोई भी सब्जी बनाने का सबका अलग अलग स्टाइल होता है। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो मतलब उपलब्ध हैं। और ये देखिए, गाड़ी वाला भी मेरा यहीं दरवाजे पर ही सीटी मार के जाता है पीप करके, तो ये दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। मैं फिर भी पीछे नहीं हटती हूँ कि हर एक चीज़ में मुश्किल तो आती है। कोई भी चीज़ आप करोगे उसमें मुश्किल आएगी। ट्रैक्टर आ गया, 2 मिनट रोक के बात करती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हर काम में मुश्किल आती है, पर हमको मतलब आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। कभी तो होगा, कभी तो होगा, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरे लिए ये काम लिखा ही नहीं गया है, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, पर छोड़ने का मन तो नहीं करता है कि घर में बैठे जब तक कोई और काम नहीं कर रहा है तब तक यही काम कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने आलू को धो लिया है, धोने के बाद अच्छे से मैंने उसको कपड़े से पोंछ लिया है। इसके बाद हम इसमें कर लेंगे इससे चक्कू से छेद, या तो फिर आप इस तरह की फोक भी ले सकते हैं, इससे आराम से और ज़्यादा छेद हो जाएंगे अच्छे से। मतलब ये देखिए, इसमें क्योंकि चार चार पांच पांच ये है ना इसके पंजे, तो इससे आराम से छेद हो जाएंगे। ज़रा संभाल के करिएगा। और वो कहते हैं ना कि कई सारे अपने वीडियो देखे होंगे कि काम करते करते हर चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है, तो उसी तरह मेरे प्रैक्टिस में आ गया है कि मैं आराम से कुछ भी कर लेती हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता है। फिलहाल अभी कोई गेट पर आ गया है, फिर धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, दम आलू बनाने के लिए ये देखिए मैंने तैयार कर लिए आलू। गरम मसाले में मैंने ये खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसमें कि लौंग और काली मिर्च, चक्रफूल और मोटी इलायची भी है। इन सबको मैं सबसे पहले पीस लूँगी, और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये सब भी तैयार कर लिया है। तो इसको पहले एक बार चला लेती हूँ, क्योंकि फिर वो अच्छे से पिसेंगे नहीं। हालांकि मैं इसको पीस के रखती हूँ पहले से ही, पर आज नहीं था तो मैं इसको पहले पीस ले लेती हूँ, थोड़ा सा चला लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको चला लिया। चलाने के बाद इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन की कलियाँ, साथ में मैं डालूँगी इसमें प्याज, और सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। प्याज हमारे पास आज छोटा छोटा ही था, तो आप देख सकते हैं इसमें प्याज की है ना थोड़ी बहुत डंडियाँ भी हैं, तो मैंने वो भी डाल दी। तो ये डंडियाँ डालना आपको ज़रूरी नहीं है, पर मेरे पास थी तो मैंने इनको डाल दिया कि क्यों ही वेस्ट करना। तो छोटे छोटे प्याज थे तो मैंने साथ में डंडियों को भी, अब इनको हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने इसको पीस लिया है, और अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो पूजा करने से पहले
पैर धोना एक बार ज़रूरी होता है, तो सॉक्स निकाल के पैर धो लेंगे, आरती कर लेंगे, फिर इसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बाथरूम में पैर धोने, तो पैर धो के फिर खाना बनाने की तरफ चलेंगे। तो बस आ गई थी मैं किचन में पूजा उजा करके, फिर इसके बाद हमने ये कढ़ाई सुबह कुछ इसमें बना था, लोहे की कढ़ाई ली है और आप देख सकते हैं कि इसमें छेद आसानी से दिख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और आराम से डालिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर पानी होता ना तो फिर चिटचिट चिटचिट बहुत तेज चिटकता, इसीलिए पानी को पोंछने के लिए बोला था मैंने कि इसको मैं पोंछ दूंगी, पानी को सुखा दूंगी। तो इस तरह से हम सारे आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये आपको बड़े बड़े से दिख रहे हैं, पर आलू थोड़े छोटे छोटे लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही फिर फ्राई करेंगे तो हो सकता है कच्चे रह जाएं। और कई बार मैं क्या करती हूँ, अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, हर बार मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, उबाल लेती हूँ आलूओं को, फिर छेद कर लेती हूँ और फिर इसके बाद इसको बनाते, धीमी आंच पे पकाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, नहीं तो फिर इतनी मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। धीमी धीमी आंच पे हम बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप आलूओं को कि आलूओं पे परत सी आ गई है, ये देखिए आलू कितने अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छे से इसमें परत आ गई है, एकदम धीमी आंच पे मैंने इसको बहुत देर तक पकाया है। तो इसी तरह से आपको सेकना है। मैं जो आलू पक गए हैं उनको निकाल ले रही हूँ, बाकी देखिए ये देखिए छेद भी अच्छे से दिख रहे हैं, आलू भी आपको मैं बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ, सब पके हुए दिख रहे हैं। बस इस तरह के आलू आपको करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छे आलू बन के तैयार होते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी मटर भी डालूंगी, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और हर चीज़ में मटर डालने का मन करता है। तो सारे आलू पक चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी में मैं भून लूँगी मसाला। तो बस इसी गरम कढ़ाई में हम डाल देंगे अपना जो पीस के हमने रखा था प्याज और लहसुन मसाले सारे, ये डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मटर भी डाल दिया है प्याज के साथ, थोड़ा सा प्याज भूनने के बाद मटर डाल दिया है, मटर डालने के साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए मसाले डाले, मसाले डाल के भून दिए। और मेरी बेटी ना सैंडविच बना रही थी, तो ये टमाटर दो बचे हुए थे टुकड़े गोल गोल, तो मैंने ये भी इसमें डाल दिए। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें टमाटर और डालूंगी यहाँ पीस के। इस इधर देखिए बर्गर बन रहा है, इसका बर्गर बन रहा था सैंडविच, और मैंने ये डाल दिया है यहाँ पे टमाटर पिसे हुए। और बस फिर टमाटर डाल के भी हमें थोड़ी देर ऐसे पका लेना है, और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और मटर भी हटा सकते हैं जो आपका मन करे। अगर आप बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहते हैं बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हैं। मैं पानी थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि चावल के साथ तो खाना नहीं है हमको, हमको खाना है ऐसे ही, तो थोड़ा सा पानी डालूंगी। अभी थोड़ी देर पहले पका लेती हूँ ढक के। और ये देखिए सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छा कलर भी आया है क्योंकि हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर वाली डाली थी। तो फ्रेंड्स सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम डाल देंगे इसमें खूब सारा धनिया। तो धनिया हम खूब सारा डाल देते हैं क्योंकि धनिया बहुत सारा आ रहा है और अच्छा भी लगता है। तो अब हमने डाल दिया है अच्छे से धनिया। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, मैंने कम पानी रखा है क्योंकि हमको खाना है इसको रोटी के साथ सिर्फ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया यम्मी से दम आलू बनके तैयार हो चुके हैं। और अब क्योंकि मैंने इसको बनाया है लोहे की कढ़ाई में, तो लोहे की कढ़ाई से इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी देर भी अगर रखना है लोहे की कढ़ाई में सब्जी रखेंगे तो और काली होती जाएगी, तो इसलिए मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक किसी बर्तन में स्टील के। तो कैसी रेसिपी लगी आपको, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें अपना अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। अपने जो विचार हैं वो मुझे बताएं कि मुझे और किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, आप भी बना सकते हैं। मैंने कोई भी अलग से गरम मसाला इसमें नहीं डाला है, जो मसाले पीसे थे उससे ही बना ली थी।